हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री लाइटनर और ब्लॉन्डर। इसको हम ब्लीच पाउडर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों को ब्लीच करता है। जैसे हम फेस के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं, वैसे बालों के लिए ही ब्लीच यूज़ करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रांड रहते हैं, ब्लॉन्डर पाउडर देते हैं, लेकिन काम सबका एक ही रहता है। जैसे स्ट्रिक्स का है, वेला का है और लॉरियल का है। इन तीनों का काम एक ही है, सेम लेवल की लिफ्टिंग देंगे, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है, वो है इंग्रेडिएंट का। जैसे हेयर की क्वालिटी मेंटेन करेगा और उसकी प्राइस थोड़ी हाई रहती है। जैसे लॉरियल की है तो उसका प्राइस थोड़ा हाई है, क्योंकि उसमें हेयर क्वालिटी का ध्यान रखा हुआ है। और बाकी थोड़े से बाल रफ होते हैं स्ट्रिक्स से और वेला के ब्लॉन्डर पाउडर से, इतना ही डिफरेंस है, लेकिन आपको लिफ्टिंग सेम ही देगा। कौन सा भी ब्रांड रहे, आपको सेम लेवल की लिफ्टिंग देंगे। हाउ ब्लॉन्डर वर्क्स, मतलब कैसे काम करता है ब्लॉन्डर। ब्लॉन्डर जो है वो अपने हेयर के सेकंड लेयर मींस कॉर्टेक्स में जाके सारे कलर, जो अपने कलर पिगमेंट होते हैं रेड येलो ब्लू, उनको निकालता है और डिफ्यूज़ करता है। इतना स्ट्रांग रहता है, क्योंकि ब्लॉन्डर हमें 7 to 10 लेवल की लिफ्टिंग देता है। जो हमारा डेवलपर और क्रीम सिर्फ 4 लेवल की लिफ्टिंग देता है, वहाँ ये ब्लॉन्डर 7 to 10 लेवल की लिफ्टिंग देता है। तो इसलिए हम ब्लॉन्डर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा लेवल की लिफ्टिंग चाहिए। हाईलाइट करने के लिए हम ब्लॉन्डर का यूज़ करते हैं। जैसे हाईलाइट करना है बालों को, तो हम पहले ब्लॉन्डर यूज़ करेंगे, सारे कलर पिगमेंट निकालेंगे। तो ब्लॉन्डर हम कौन से हेयर पे यूज़ करेंगे, जिनको फैशन शेड चाहिए, डाई हेयर है और रूट टचअप करना है हीना हेयर पे। लेकिन हीना हेयर का एक प्रॉब्लम है कि वो डिज़ायर कलर नहीं देता, थोड़ा कॉपरिश कलर आ जाता है, तो इतना ही प्रॉब्लम है। बाकी आप इस पे ब्लॉन्डर यूज़ कर सकते हैं। मिक्सिंग रेशो, जो मिक्सिंग रेशो है जैसे ब्लॉन्डर और डेवलपर का, तो 1:2 हम फॉर एग्जांपल 30 ग्राम हम ब्लॉन्डर लेंगे तो 60 ml डेवलपर लेंगे, और जैसे 20 ग्राम हम ब्लॉन्डर पाउडर लेंगे तो डेवलपर हम 40 ml लेंगे। तो ऐसे इसके डबल हम डेवलपर लेंगे, ब्लॉन्डर के डबल हम डेवलपर यूज़ करेंगे। तो ये मिक्सिंग रेशो रहता है ब्लॉन्डर में।